केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सीटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। नमस्कार, मैं जिया और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। शहर विधायक रफीक अंसारी कबूतर उड़ाने के शौक में व्यस्त हैं। क्षेत्रीय सपा सभासद नवाब की कोई सुनता नहीं। वह जलभराव की समस्या से जूझ रहे नागरिकों को खुद सलाह देते हैं कि यदि कोई काम नगर निगम से कराना है तो भाजपा पार्षद को पकड़ लो। भाजपा पार्षद का जवाब मिलता है कि यह उसका क्षेत्र नहीं है। एक माह से ज्यादा समय हो गया नाले का स्लैब तोड़े हुए, संपर्क टूटने से कारोबार चौपट हो गए, लेकिन निर्माण शुरू तक नहीं हुआ। नगर निगम के अफसर किसी की नहीं सुनते, ये आरोप भूमिया का पुल क्षेत्र के बाशिंदों ने मीडिया के समक्ष लगाए। देखिए, सेवा समिति का संस्थापक हूँ। आज आवाम ने जिलाधिकारी महोदय के नाम का ज्ञापन दिया है। मेरठ शहर की जो बदहाल सड़कें हैं उनको लेकर के आज हम यहाँ पर आए थे। अब से पहले नगर आयुक्त साहब को कई बार अवगत कराया जा चुका है कि मेरठ शहर की सड़कों पर 6-6 फीट के गड्ढे हो रहे हैं, उसमें पानी भरा हुआ है, आम जनता का चलना दूभर है, लेकिन अब तक भी नगर निगम ने कोई भी उस पर ध्यान नहीं दिया। शायद हमें लगता है कि नगर आयुक्त साहब किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। आज उसी समस्या को लेकर के आज हम डीएम साहब के पास यहाँ पर आए थे और हमने अभी बात की है और एसडीएम साहब को जिनको हमने ज्ञापन दिया है उनको कहा है कि अगर एक महीने के अंदर हमारी मांगों पर सुनवाई नहीं हुई तो हम अनिश्चितकालीन भूपत्तल के लिए बाध्य होंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी।